चलिए बच्चों, चलिए देखिए, रेडिएशन है वो डिफ्रैक्शन, ये इसी फर्स्ट पेपर का फोर्थ लेसन आज पढ़ाने जा रहे हैं, यूनिट सेकेंड है। जो डिफ्रैक्शन तुमने पढ़ा भी था, मैं लगता तुम तो पढ़ लिए, ठीक है, डिफ्रैक्शन की क्लास में स्टार्ट कर दिया। डिफ्रैक्शन थोड़ा टफ है, देखिए बच्चों, लेसन फोर्थ है, फोर्थ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक भी यही है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ धर्मचंद बात करा, जैसे ही आ जाए बात कराओ। लकी बोल रही, हेलो, हाँ हाँ तो आ जाए, तो उनसे कह दो कि 12 बजे तक यहाँ गुरुदेव आ जाए, हैं ठीक। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है, ये हमने सोर्स ले लाइट, एक हमने स्लिट ले लिया, ये स्लिट लाइट रेज जाती है स्क्रीन पर, स्ट्रेट चलेगी, बीच में एल्यूमिनेटेड रीजन बनाएगी, चमकदार क्षेत्र बनाएगी, ऊपर है ज्योमेट्रिकल शैडो, शैडो नीचे है ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेट हो, ऊपर नीचे ज्योमेट्रिकल सेट हो। तो देखिए, व्हेन स्लिट इज टेकन, टेकन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट, लाइट एंड स्क्रीन, व्हेन स्लिट इज टेकन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन, स्लिट हमने ले लिया है सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में, देन एल्यूमिनेटेड रीजन ऑब्टेंड एट मिडिल, एट मिडिल अब एल्यूमिनेटेड रीजन आपको कहां मिलता है, बीच में, एंड शैडो रीजन
एंड सैडो रीजंस रीजंस आर ऑब्टेन्ड एबव एंड बिलो द व्हेन स्लिट इज टेकन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन. जब स्लिट को हम ले लेते हैं सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच में, देन एल्यूमिनेटेड रीजन ऑब्टेन्ड एट मिडिल व्हेन स्लिट इज टेकन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन देन एल्यूमिनेटेड रीजन ऑब्टेन्ड एट मिडिल एंड शैडो रीजन्स आर ऑब्टेन्ड अबव एंड बिलो द बिलो द एल्यूमिनेटेड रीजन रीजन्स. इस टाइप का जो फिनोमिना है वो क्या कहलाता है? इस टाइप का फिनोमिना ये दर्शाता है कि लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. सच टाइप ऑफ फिनोमिना such type of phenomena of light represent that light light travel करती है straight line में, और ये phenomena रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस फिनोमिना रिप्रेजेंट दैट दैट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. ये दिखाता है लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, लाइट के सीधे ट्रेवल करने का तरीका या रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. एक शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों हो गया, ठीक है इतना ठीक. एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा वैसा शॉर्ट नहीं. रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. अब आइए डिफ्रेक्शन बताने जा रहे हैं. अगर लाइट की वेवलेंथ का ऑर्डर और एपर्चर की स्लिट, जो स्लिट है उसकी विड्थ, दोनों एक दूसरे के मैच करती है, व्हेन विड्थ ऑफ ए, जरा प्रदीप सर बुला लेना, बुला जब जाएं तो कहते दो मिनट आ जाएंगे. व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट and wavelength of light use is approximately equal. अरे सर ये हमने उसको वो बहुत लकड़ी करे था मेरे हर सैनिटाइजर वाला, तो 15 उसको भी दिए हैं. अच्छा,
सब रिकॉर्ड किए? नहीं नहीं, ये उनको दिया है 5,000 रुपये वासुदेव मिश्रा वाले 5 तारीख को, उनको हेड एडवर्टाइजर वाला बिल्कुल वो जरीब चौकी और वहाँ वाले बोर्ड खुल गए। अब फिर एक दिन के लिए खुलते हैं, 3 दिन बंद हो जाते, फिर बंद हो गया। हाँ तो रोज ही निकलते हैं वहाँ। आज बंद है अभी जरीब चौकी, कल खुला 4-5 दिन बाद। अब हाँ, वो खुला रहता फिर बंद हो जाता, वो भी बंद कर दिया किसी ने। अटल प्रताप सिंह, अटल प्रताप सिंह वो खुल, वो तो हम बोल आए थे वहाँ बंद है जरीब चौकी, वो लाल इमली वाला। अच्छा वो कौन लगाए? वही अटल, वो लगाए अरुण। अच्छा अरुण पाठक। हाँ चलो, ये तो पंडित जी को दे आए थे 13,500 रुपये से उनका वहाँ तक बोर्ड लगवा रहे हैं अभी, ये 15,000 हम हर्ष को दे आए। अच्छा ठीक है, चलो फिर बैठ के। हाँ अगले टर्न पे बैठेंगे, हमको पिछला भी तुम्हारा हिसाब करना। और ये उनको दे आए थे, एक लिख लो, एक सालनी मिश्रा देख, वो लिख लो 3,000 रुपये दे गई। ठीक है, सालनी मिश्रा BSC पार्ट 1, उसके साथियों से आप ले लीजिए, वो दे गई, वो जो नहीं हमारे पास आती है उनकी। हाँ हाँ, अब अगले टर्न हम लोग बैठेंगे आधे घंटे। व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज अप्रोक्सीमेटली, बराबर एक्यूरेट तो कुछ नहीं कह सकते, लगभग बराबर होते हैं, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, देन लाइट रेज आर बेंड्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्लिट, साइड्स ऑफ स्लिट बेंड कर जाती हैं साइड्स से, साइड्स ऑफ स्लिट्स, देन लाइट रेज आर बेंड्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्लिट्स, स्लिट एंड अप्रोचेस इन द शैडो रीजन, इन द शैडो रीजन, शैडो रीजन, और पहुंच जाती है शैडो रीजन, एंड अप्रोचेस इन द शैडो रीजन, और पहुंच जाती शैडो रीजन, अप्रोचेस इन द शैडो, व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड is approximately equal and light rays are bends from the sides of slit and approaches in the shadow region. Such type of phenomena of light is known as diffraction. इस टाइप के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन, इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो लाइट यहाँ से बेंड करके शैडो रीजन में पहुँचती है, लाइट यहाँ से बेंड करके शैडो रीजन में पहुँचती है, उसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट यहाँ से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। लाइट यहाँ से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये अगले फिगर बनाओ, दूसरा फिगर उसी मत करो, दूसरा फिगर बनाओ बेटा, दूसरा फिगर बनाओ। लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। कार्तिक, लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना डिफ्रैक्शन कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती है।
डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती है, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती है, शैडो रीजन में पहुंचती है। तो डिफ्रैक्शन वो फिनोमिना है जिससे लाइट साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचती, जो स्लिट है या जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिया उसका अपर्चर, जो भी जैसे सर्कुलर है या ऐसा रेक्टेंगुलर है, उनसे बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना डिफ्रैक्शन। जैसे सुना होगा तुमने रेजर ब्लेड है, रेजर ब्लेड के किनारे बहुत पतले होते हैं, उन पर लाइट पड़ती है
तो उन पतले किनारों से लाइट बेंड करके शैडो रीजन में पहुंच जाती है। तो ये डिफ्रेक्शन, यही चाकू, चाकू में भी शार्प एज होता है, उसी से तो कटता है, वो पतला अगर ना हो तो फिर कटेगा। तो वो शार्प एज से, क्योंकि शार्प एजेस की जो थिकनेस है और वेवलेंथ का जो ऑर्डर है वो दोनों एक दूसरे से मैच कर जाते हैं और लाइट बेंड करके शैडो रीजन में पहुंच जाती है। तो लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना क्या कहलाता है? डिफ्रेक्शन। लाइट का जो भी ऑब्जेक्ट है, स्लिट है या एनी ऑब्जेक्ट है, उसके एपर्चर से, उसकी साइड से बेंड करके शैडो रीजन में पहुंचना डिफ्रेक्शन। अब जैसे हम खड़े हैं, हमारे पर लाइट पड़ेगी तो हमारे शार्प एजेस तो है नहीं, तो हमारी परछाई पीछे उतनी रहेगी और बाकी साइड में रोशनी होगी, ठीक है। और यहीं किनारे ब्लेड लगा ले तो क्या होगा? उन ब्लेडों से लाइट बेंड करके शैडो रीजन में जाएगी। तो लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में जाना क्या कहलाता है? डिफ्रेक्शन। तो यही लिख रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ, दो शॉर्ट आपके यहाँ पे हुए जा रहे हैं। लाइट का साइड से बेंड करके शैडो रीजन में जाना डिफ्रेक्शन कहलाता है। इन दिस वे इस तरीके से डिफ्रेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन दिस वे डिफ्रेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट। इस तरीके से डिफ्रेक्शन वो लाइट का फिनोमिना है by which light bends from the sides. In this way diffraction is the phenomena of light by which light bends from the sides of slit or object and approaches in the shadow region. Shadow region. इस तरीके से, in this way diffraction is the phenomena of light by which, जिसके द्वारा लाइट बेंड्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ स्लिट और ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट लिया है, एंड अप्रोचेज इन द शैडो रीजन, अप्रोचेज इन द शैडो। और वो तभी हो सकता है जब उसकी थिकनेस, उसकी डायामीटर का ऑर्डर जब हो वेवलेंथ से मैच करे। आसपास तो पहुंचे, बिल्कुल बराबर हो जाए ये कोई पर जरूरी, पर आसपास पहुंच जाए तभी हो सकता है। अब देखिए, डिफ्रेक्शन को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। डिफ्रेक्शन इज डिवाइडेड इंटू टू क्लास। डिफ्रेक्शन को दो क्लास में डिवाइड किया है, एक फ्रेस्नल क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन में सोर्स ऑफ लाइट स्लिट और स्क्रीन XY फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं। लाइट और स्क्रीन को फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं। इन फ्रेस्नल क्लास ऑफ डिफ्रेक्शन इन
फ्रेसनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, सोर्स ऑफ लाइट लाइट एंड स्क्रीन आर टेकन एट फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रेसनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर टेकन एट फाइनाइट डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं तो क्या होता है फाइनाइट डिस्टेंस सो दैट स्फेरिकल स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट स्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है स्लिट पर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट पर फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब इस पर आपका इस टाइप का वेव फ्रंट जाएगा स्फेरिकल और ठीक है अब फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस दूसरा है फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इन फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन आर टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस आर टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ये हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेते हैं टेकन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस सो दैट प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट और एपर्चर स्लिट इंसिडेंट ऑन द स्लिट तो यहां पर ये सोर्स ऑफ लाइट ये स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कॉन्वेक्स लेंस लगा ही नहीं किया ऐसे बैठ रहे
तो प्लेन वेव फ्रंट इज तो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट ठीक है. सो दैट प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट और एपर्चर. ये तो बीच वाला इल्यूमिनेटेड रीजन illuminated reason reason ये वाला shadow geometrical shadow ये भी है geometrical shadow ये geometrical shadow ठीक है बच्चों. ये आपकी एक क्लास हो गई है. सर यहाँ पर स्ट्रिंग के एस पॉइंट पर एक मिनट.